हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तुलिका और आज मैं अपने प्यारे से लिविंग रूम का टूर कराने वाली हूं। और ये देखिए, पहले ये कोबर है, ये मधुबनी आर्ट है जिसको मैंने खुद ही बनाया है। और मेरे ड्राइंग रूम में बहुत सारे, लिविंग रूम में बहुत सारी पेंटिंग लगी हुई है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो है वो दिवाली के टाइम में फिर से कुछ अलग दिखाऊंगी, कुछ सब कुछ चेंज करती हूँ मैं, कर्टन वगैरह, तो मैं उसका भी वीडियो शेयर करूंगी। अभी मेरी तो शॉपिंग स्टार्ट हो गई है थोड़ी थोड़ी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे लिविंग रूम का। तो लिविंग रूम का ये मेन डोर है। ये देखिए, मेरी डॉटर भी आ गई है। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये लिविंग रूम का मेन डोर है, उधर से एंट्री है और यहाँ पे मैंने गणपति जी को लगाया हुआ है। और लिविंग रूम से थोड़ा सा इस वाले वॉल पे मैंने ये बहुत पहले मॉडर्न आर्ट बनाया हुआ था, वो लगा हुआ है। और ये देखिए, ये मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि ये जो है, ये मैंने वॉलपेपर लगाया था और इसको ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो चुके हैं। और ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, इसका ग्लेज बिल्कुल कम नहीं हुआ। और ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया था और ये बहुत ही अच्छा लुक आता है। और ये देखिए, ये तो आप लोग को मैंने दिखाया ही था कि ये मैंने क्राफ्ट में खुद से बनाया है, मैं और मेरी डॉटर ने मिलके बनाया है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने ये सोफा लगाया हुआ है, 2+2 सीटर का सोफा है मेरा। और उसके अलावा मैंने एक इंडियन सिटिंग वाला भी बनाया है। और ये देखिए, इस तरीके से ये वॉल को डेकोरेट किया है मैंने। ये पेंटिंग्स भी मैंने खुद ही बनाई है। और हमेशा जो आप अगर घर का जो भी वॉल कलर है वो ऐसा कलर चुनिए कि वो ना बहुत आई को अच्छा लगे, देखने में अच्छा लगे, कूल लगे। थोड़ा सा बहुत ब्राइट कलर, बहुत ज्यादा जिससे रूम छोटे लगते हैं, तो बिल्कुल यूज मत करिए। और ये देखिए, एक वॉल इसको इस तरीके से मैंने डेकोर किया है। ये देखिए, ये सारी मेरी पेंटिंग्स है, मेरे क्राफ्ट है। इस वाले वॉल पे, सामने वाले वॉल पे इस तरीके से मैंने डेकोर किया। इसमें मैंने मेरी डॉटर के भी आर्ट है, ये देखिए। इस तरीके से बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई है और ये बहुत सुंदर सुंदर है। और ये देखिए, मेरी बेटी बार बार आ जा रही है। ये मैंने बनाई है। हाँ, ये मेरी डॉटर ने बनाया है बहुत कुछ, तो वही मैं दिखा रही हूँ। और ये यहाँ पे मैंने येलो कलर से पेंट किया था बहुत पहले और ये अभी भी वैसा ही है, अच्छा लग रहा है ये बहुत। ये देखिए, ऊपर भी बहुत सारा है। इसी तरह मैंने ना ड्राइंग रूम जो डाइनिंग एरिया है, थोड़ा सा छोटा सा मैंने डाइनिंग टेबल लगाया है, लेकिन उसको मैंने ना कर्टन डाल के कवर किया है। और ये देखिए, ऊपर की साइड में इस तरीके से पेंटिंग लगी हुई है हमारी, ये देखिए। और ये तो मैंने ऑनलाइन ही परचेज किया था, लाइट वगैरह। और ये देखिए, ये हमारा कोबर है। तो एक बार मैं ओवरव्यू दिखा देती हूँ। और इसके नीचे ही मैंने ये इंडियन सिटिंग वाला लगाया है और मैंने सेंटर टेबल अभी बिल्कुल हटा दिया, साइड कर दिया है, ताकि ये थोड़ा स्पेस बड़ा दिखता है, लगता है। तो मेरी डॉटर यहाँ पे डांस करती है, तो एक बार मैं ओवरव्यू दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, इस तरीके से मेरा ड्रॉइंग एरिया दिखता है, ये देखिए। और ये कलर मैंने लास्ट दिवाली पे लिया था, सोफे का कलर इस टाइप का, तो बहुत ही अच्छा दिखता है और बहुत अच्छा प्यारा सा लगता है। और एक बार मैं ऑपोजिट साइड से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से ये ड्राइंग रूम का एरिया आपका दिखेगा, वो डोर दिख रहा है, मेन डोर।
और ये बड़े से वॉल में मैंने इस तरीके से वॉलपेपर लगाया है, और मैं जरूर रिकमेंड करूंगी, ये वॉलपेपर बहुत ही प्यारा दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ का फैन भी मैंने थोड़ा सा डिजाइन वाला लिया था, बहुत पहले ही लिया था, तो ये बहुत अच्छा दिखता है। तो ये है ओवरऑल मेरे ड्राइंग रूम का, आप देख सकते हैं। ये एरिया भी बहुत, नीचे मैंने कारपेट लगा के रखा है, तो ये एरिया ना बड़ा दिखता है, तो यहाँ पे मेरी डॉटर डांस प्रैक्टिस करती है, ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए जो हॉल का है लिविंग एरिया वो ऐसे है। तो कैसा लगा ये मेरा लिविंग एरिया और ये लिविंग रूम कैसा लगा, तो हमें जरूर से बताइएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। और दिवाली वाली के टाइम में फिर से मैं कुछ न्यू, कुछ यूनिक सा आर्ट लेके आऊंगी, और अपने घर को कुछ अलग कलर से सजाऊंगी, अलग कलर का सोफा कवर कुछ अलग सा यूनिक लेके आऊंगी, तो वो भी मैं शेयर करूंगी। ये देखिए, तो चलिए आज का ये वीडियो कैसा लगा मेरा लिविंग रूम का टूर, तो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।